जिन लोगों ने पूछा था 1987 के 1 रुपए के सिक्कों के बारे में, उनका जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। 1987 में जो कीमती सिक्का है वो कौन सा है और कॉमन कौन सा है, उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें से ये जो सिक्का है ये उतना ज्यादा रेयर नहीं होता है, लेकिन इसमें रेयर वेराइटी आपको देखने को मिलती है। दोनों सिक्कों में जो कॉमन चीजें हैं वो सारी कॉमन ही है। मेटल कॉमन है, कॉपर निकल है, वेट भी सेम ही है, 6 ग्राम ही है, और साइज भी दोनों की सेम ही है, 26 mm ही है, और ईयर भी सेम ही है। 1987 में ही दोनों सिक्के जारी किए जाते हैं, 1987 के ही 1 रुपए के सिक्के हैं। इसमें आपको जो पहचानना है, जो रेयर वेराइटी का सिक्का उसकी क्या पहचान है, वो आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये है 1 रुपी 1987 डेफिनेटिव सर्कुलेशन का सिक्का। आप लोग को जानते होंगे डेफिनेटिव सर्कुलेशन और कॉमेमोरेटिव कॉइन दोनों में फर्क होता है। डेफिनेटिव सर्कुलेशन का मतलब होता है जैसे ये वाली डिजाइन है, इसके सिक्के आपको अलग अलग साल में जारी किए हुए देखने को मिलेंगे। अलग अलग साल में ऐसे सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, तो वो होंगे डेफिनेटिव सर्कुलेशन के सिक्के। और जो कॉमेमोरेटिव कॉइन होता है वो किसी इवेंट या फिर किसी एक पर्सनल व्यक्ति के नाम पे या जो भी है, मतलब एक कॉमेमोरेटिव कॉइन जिसके नाम पे इश्यू किया जाता है वो ओनली एक साल में ही जारी किया जाता है। एक साल में उसको, एक ही साल में जारी किया जाता है, बाद में नेक्स्ट ईयर में उसको नहीं जारी किया जाता है, तो वो होता है कॉमेमोरेटिव कॉइन। और डेफिनेटिव सर्कुलेशन के सिक्के आपको अलग अलग ईयर में देखने को मिलेंगे। तो ये तो फर्क हो गया कॉमेमोरेटिव और डेफिनेटिव सर्कुलेशन का। अब बात करेंगे इसमें आने वाली रेयर वैरायटी के बारे में, कौन सा कीमती है, ये कीमती है या फिर ये वाला सिक्का कीमती है। तो 1987 में 1 रुपए का ये सिक्का भारत के 3 मिनटों से बनाया गया था, कॉपर निकल से, 6 ग्राम वजन के साथ में, 26 mm की साइज में, 1.47 mm थिकनेस के साथ इस सिक्के को भारत के 3 मिनटों से बनाया गया था, जिसमें मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद 3 मिनट शामिल है। मुंबई मिंट का सिक्का, हैदराबाद मिंट का सिक्का या फिर कोलकाता मिंट का सिक्का, तीनों ही मिंट से ये सिक्का कॉमन की कैटेगरी में आता है और इसकी वैल्यू होती है 20 रुपए ज्यादा से ज्यादा। ये तो हो गया डेफिनेटिव सर्कुलेशन का 1 रुपए का सिक्का। अब बात कर लेते हैं इस सिक्के के बारे में। ये सिक्का अगर आप लोग इस साइड से देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, जिसमें नीचे एक डिनोमिनेशन 1 है, ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। दूसरी साइड से देखते हैं तो यहां पे स्मॉल फार्मर देखने को मिलता है। तो यह है सिक्के की डिजाइन और इसको ही कॉमेमोरेटिव बोलते हैं, मतलब इस डिजाइन के ऊपर इस सिक्के को कॉमेमोरेटिव किया गया है। अब इसमें आपको 3 अलग अलग मिंट मार्क देखने को मिल सकते हैं, एक स्टार, दूसरा डायमंड और तीसरा कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको अगर स्टार मिंट मार्क का सिक्का मिलता है तो कीमत होती है 30 रुपए, और मुंबई मिंट का, डायमंड मिंट मार्क का सिक्का देखने को मिलता है तो कीमत होती है 20 से 25 रुपए। लेकिन यही सिक्का अगर आपको यहां पे कोलकाता मिंट का सिक्का मिल जाता है जिसमें यहां पे कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, तो ये सिक्का अपने आप में स्केयर की कैटेगरी में बोल सकते हैं या फिर रेयर भी बोल सकते हैं। आज के टाइम में इस सिक्के की कीमत 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक चल रही है। तो इस सिक्के का आप कलेक्शन कर सकते हैं ओनली कोलकाता के मिंट से। कोलकाता मिंट का 1 रुपए का स्मॉल फार्मर का ये सिक्का है, ये कलेक्टिबल है, बाकी 2 मिंटों से मुंबई और हैदराबाद की मिंट से कॉमन होते हैं। तो आपको जो कलेक्शन करना है तो आपको करना है कोलकाता मिंट के सिक्के का। जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।